पे देखिए फ्रेंड्स, आज हम क्या बनाएंगे। तो आज बिल्कुल साउथ, जैसे साउथ में यहाँ पर में नारियल का चटनी बनता है, तो आज हम बिल्कुल साउथ वाली चटनी आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा, यहाँ पे डोसा के साथ खाने वाला, इडली के साथ खाने वाला। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डाले हैं। आप चाहे तो यहाँ पे ऑयल नहीं भी डाल सकती हैं। तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम मूंगफली ले लिए हैं, तो इसको हम रोस्ट कर लेंगे। इस तरह से हम इसको रोस्ट करेंगे। और यहाँ पे गैस हम बिल्कुल मीडियम करके रखेंगे, नहीं तो फिर अंदर से ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। तो इस तरह से इसको हम रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा रोस्ट करना है। इससे क्या होता है, जो चटनी का जो फ्लेवर है बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छा बनता है। आज हम बिल्कुल साउथ वाली चटनी, आपको कैसे साउथ में चटनी बनती है डोसा और इडली वाली, तो वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैं देखिए, आप लोग को बहुत आसान होगा, जैसे आप लोग लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं, बना के रख दीजिए लंबे समय तक, वो भी सीक्रेट हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हम इसको पहले रोस्ट कर लें। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो यहाँ पे मूंगफली डाले हैं वो अच्छे से रोस्ट हो चुका है, और यहाँ पे मूंगफली जो है वो चटक चुका है। अब इस तरह से अब यहाँ पे क्या डालेंगे, तो यहाँ पे हम कड़ी पत्ती ले लिए हैं। आप चाहे तो फ्रेश कड़ी पत्ती लीजिएगा, यहाँ पे मेरा जो कड़ी पत्ती है वो 5-6 दिन पहले का है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पे लाए थे सांभर बनाने के लिए, तो था तो हम डाल दिए। तो यहाँ पे 2 चम्मच हम कड़ी पत्ती डाल दिए हैं। अब यहाँ पे हम 5 हरी मिर्च डाल लिए हैं, इसको बीच से हम कट कर लिए हैं। और अब जो यहाँ पे सीक्रेट है, सबसे सीक्रेट जो हमारे यहाँ पर में जो नारियल की चटनी है, तो यहाँ पर में हम रोस्टेड चना डालेंगे। चना को हम पहले ही रोस्ट कर लिए थे, तो अब हम इसको डालेंगे। आप चाहे तो इस जगह पर में आप यहाँ पे रोस्टेड चना भी डाल सकती हैं छिलका उतार के। तो इसको हम साथ में इस तरह से हल्का सा रोस्ट करेंगे, क्योंकि ये तो पहले से ही रोस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम अब इस तरह से सबको मिक्स कर लेंगे, यहाँ पे देखिए। और अब यहाँ पर में हम नारियल छोटे छोटे पीसेज में, लंबे लंबे पीसेज में पतला पतला काट लिए हैं, तो अब इस जगह पे हम नारियल भी डाल देंगे। और अब हम इसको इस तरह से हम चलाएंगे। बस हमको ज़्यादा नहीं भूनना है, यहाँ पर में सिर्फ हमको थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करना है नारियल को, नारियल को हमको बिल्कुल भूनना नहीं है। अब यहाँ पे हम छोटा सा अदरक का टुकड़ा डाल देंगे, और सिर्फ इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट करके अब यहाँ पे हम गैस कर लेंगे बंद, और इसको हम ठंडा होने तक वेट करेंगे, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो फिर हम मिक्सी जार में डाल के और इसका अच्छा सा हम चटनी बनाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे हम गैस बंद कर दे और इसको ठंडा होने तक हम वेट करते हैं। यहाँ पे हम कुछ पुदीने की भी पत्ती रख दिए हैं, ताकि ये भी अच्छे से इसमें रोस्ट हो जाए। हम इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे। हम यहाँ पे गैस बंद कर लिए हैं और इसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी गर्म है, तो यहाँ पे ये सॉफ्ट हो जाएगा। इस तरह से हम डाल के इसको हम अंदर की तरफ कर देंगे। तो चलिए, ठंडा होने दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम चटनी को ग्राइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे मिक्सी जार ले लिए हैं, और अब यहाँ पे हम जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रोस्ट करके रखे हैं, तो हम इसको इसमें डाल देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम सारा रख लिए हैं। अब यहाँ पे हम इसको और टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा सा हम इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे इस तरह से, और अब इसमें हम नमक डाल देंगे। आप यहाँ पे इमली डाल सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे इमली नहीं डालेंगे क्योंकि मेरे पास है नहीं। तो हम यहाँ पे नींबू का रस डालेंगे, जब यहाँ पे हम इसको हम ग्राइंड कर लेंगे।
तो हम यहाँ पे नींबू का रस डाल देंगे। अब यहाँ पे हम पानी डालेंगे, तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी हम डाल के, और अब हम इसको अच्छे से पहले ग्राइंड कर लें। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पे देखिए जो नारियल का चटनी है वो कितना बढ़िया से यहाँ पे देखिए ग्राइंड हो चुका है। इसका कलर देखिए, बिल्कुल साउथ वाली नारियल की चटनी डोसा, और यहाँ पर मैं इडली के साथ खाने वाला चटनी आप लोग के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसको हम पहले बर्तन में सर्व कर ले, फिर इसमें हम तड़का लगाएंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम तड़का के लिए यहाँ पर मैं तड़का करछुल चढ़ा दिए हैं, गैस ऑन कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम ऑयल डाल देंगे इस तरह से, और तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या डालेंगे, तो सबसे पहले हींग डालेंगे, और अब यहाँ पर में हम 2 साबुत लाल मिर्च डाल देंगे, थोड़ी सी कड़ी पत्ती डाल देंगे, और अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे उड़द का दाल, और अब यहाँ पे हम थोड़ा सा सरसों काली वाली। अब यहाँ पे गैस कर लेंगे बंद, और चलिए अब हम तड़का लगाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे तड़का लगा लेंगे इस तरह से, तो अब देख सकती हैं, और अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से हम मिला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साउथ वाली यहाँ पे चटनी बनके नारियल की तैयार हो चुका है, और यहाँ पे अब आप इसको इडली के साथ या डोसा के साथ खा सकती हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चटनी आप लोग के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है, साउथ वाली यहाँ पर मैं डोसा और इडली वाली। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे, यहाँ पे हम 1 नींबू लिए थे तो आधा नींबू का रस हम डाल दिए हैं निचोड़ के, और अब इसको हम अच्छे से इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इस जगह आप इमली डालिएगा, मेरे पास इमली नहीं था तो इसीलिए हम इमली नहीं डाले हैं, आप यहाँ पे इमली डाल दीजिएगा। और अब यहाँ पे देखिए आप लोग के लिए साउथ वाली चटनी नारियल की बनके तैयार हो चुका है, और आप लोग इसको डोसा के साथ, इडली के साथ, कोई भी चीज़ के साथ आप लोग खाएंगी, उपमा के साथ, बहुत ही टेस्टी है, आप लोग ज़रूर बनाइए। और यहाँ पर मैं हस्बैंड बच्चे जो भी यहाँ पर मैं टिफिन बॉक्स में दे दीजिए, बहुत ही अमेजिंग है, आप लोग को बिल्कुल समय नहीं लगेगा, आप लोग इडली बनाइए, और इसको लंबे समय तक आप रख सकती हैं बना करके फ्रीज में, क्योंकि हम इस तरीके से बनाए हैं, तो आप लोग इसको लॉन्ग टाइम तक रखिए और खाइए। और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिए, और नीचे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी न्यू वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग आजकल कहाँ बैठी हैं, आजकल हमारे चैनल पर बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहा है, तो आप लोग हमारे चैनल को देखिए और सपोर्ट करिए, क्योंकि जो भी वीडियो बनाते हैं बहुत ही दिल से बनाते हैं, ताकि आप लोग के पास पहुँचे और आप लोग देखें और अपने घर में बनाएं। तो फ्रेंड्स, और जो भी आप लोग बनाइए और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टीके बाय बाय, वीडियो एंजॉय करिए, हैप्पी रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।